बेलीपार थाना क्षेत्र के हरदिया गांव में 16 अप्रैल की शाम संदिग्ध परिस्थितियों में 16 वर्षीय किशोरी के द्वारा आत्महत्या मामले में पुलिस ने वादी उप निरीक्षक लालचंद वर्मा की तहरीर पर बहलगंज थाना क्षेत्र के निबी दुबे गांव निवासी मृतिका के बहनोई दीपक गौर के खिलाफ धारा 305 IPC के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। आपको बता दें कि किशोरी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भ्रूण होने की पुष्टि के बाद पुलिस मृतिका के मां बाप से पूछताछ करने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी बांसगांव नितेश सिंह, थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह द्वारा अपराध एवं अपराधियों की तलाश एवं रोकथाम के लिए उप निरीक्षक देवी शंकर पांडे व कांस्टेबल प्रदीप कुमार के जरिए खास मुखबिर की सूचना पर बेलीपार के कसिहार चौराहे से कहीं भागने की फिराक में खड़े मृतका के बहनोई बहलगंज थाना क्षेत्र के निबी दुबे गांव निवासी दीपक गौड़ पुत्र राम प्रकट गौड़ को हिरासत में लेकर न्यायिक अभिरीक्षक में भेज दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, परमिशन मिल जाती है। मोबाइल कौन सा चलाते हो? एंड्रॉइड मोबाइल में एक आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो। बेलीपार में एक मुकदमा धारा 305 का लिखा गया था, उस पर तो क्राइम नंबर 51/20 है जो 305 धारा IPC का है, उससे गिरफ्तार किया गया उसमें अभियुक्त को, चूँकि उसका नाजायज संबंध था जो मृतका लड़की है उससे कोई संबंध थे, जिससे वो भ्रूण भी उसका संरक्षित था, इससे आधार पे उसे गिरफ्तार किया गया। सर हत्या थी या आत्महत्या थी कुछ पता चल पाया है? नहीं वो उसमें तो सुसाइडल ही है, सुसाइडल है, और चूँकि वो सुसाइड किस कारण से हुआ था उसमें वो नाबालिग लड़की थी इसलिए उस पर अपराध पंजीकृत किया गया था और जो उसमें अपराधी था उसे दोषी पाते हुए उसे जेल भेजा गया।